नंबर वन चैनल उल्लेख न्यूज दिखाएगा आपको सिर्फ सच। बने रहिए उल्लेख न्यूज के साथ। मामला ज्वालापुर का है, जहां बिजली का करंट लगने से एक श्रमिक की मौत हो गई। आपको बता दें कि हरिराम पुत्र बालचंद निवासी अलहेड़ी कड़च मोहल्ला बिजली घर में कार्यरत था। 2 मार्च को ड्यूटी के दौरान करंट लगने से श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। देश के घटनाक्रम पर हम रखते हैं पहली नजर। घटना का होगा पर्दाफाश, नहीं होगी जुबानी बात। जब हो उल्लेख न्यूज का आगाज बिना किसी नमक मसाला के, होगी साफ सीधी बात उल्लेख न्यूज के साथ। परिजनों ने शव को बिजली घर पर रखकर जाम लगाया। परिजनों का आरोप है कि श्रमिक की मौत बिजली विभाग की लापरवाही से हुई है, जिसमें परिजनों ने कहा कि मृत व्यक्ति की पत्नी को नौकरी व मुआवजा दिया जाए। वहीं बिजली विभाग अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने कहा कि यह जांच का विषय है। मौत करंट लगने से हुई है, लेकिन किसी ने बिजली का डाउन नहीं मांगा था। इसके बावजूद भी हमने परिजनों को 4 लाख नगद व मृतक व्यक्ति के परिवार को नौकरी देने की बात कही है। यहाँ आप आए, क्या मामला है पूरा? मेरे लड़के की यहाँ से डेथ होगी इसमें बिजली घर में जी। क्या नाम था उनका? नाम हरिराम था जी। कब हुई थी उनकी? हुई थी जी कल, हमें नहीं पता, मतलब 7:30 बजे कल पता लगा जी, शाम को जी जी कल के दिन। आप यहाँ से सारा गांव है, अब क्या कुछ बोले समझौते को बात हुई? समझौते बताइए, अब बात हुई जी 2 लाख रुपये तो फादर के नाम आज, 2 लाख रुपये चेक दिया नगद कैश, और जी अभी बात चल रही थी 4 लाख रुपए इसकी तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से कंट्रीब्यूशन है जी, और जी इसका इंश्योरेंस जितना भी होगा 3-3.5 लाख का, पीपीएफ है उसका अलग खाते का, वो तो उसके नौकरी का ही है, और जी नौकरी परिवार की जो बहू है हमारे लड़के की, उस नौकरी और 3500 रुपये पेंशन, वो ईपीएफ वाली देहरादून वाली 3500 रुपये पेंशन और प्लस नौकरी, और वो कहा इन्होंने रुड़की में ही ज्वाइंट करवा देंगे संविदा पे। हाँ संविदा पे। इन सब जो ये बातें हुई, इन सब से आप सहमति हो गए जी? आप सबकी सम्मति थी। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं मेरे बच्चों का भविष्य, और जी और जो मेरा पोता पोती है उनकी पढ़ाई का उनका खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि लड़के ने मैं ऐसे स्कूल में कर रखे थे दाखिल, जिसमें ऊंची पोस्ट पर लड़का पढ़ के चले जा जी। सहमत है जी। उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ और कोई बातचीत है? बस ये बताओ उन्होंने 3-3.5 हज़ार पेंशन मिलेगी उन्हें, उसे घर वाले को जाना है, यहाँ नहीं तो उन्होंने कार उड़की में जिस पोस्ट पर होता संविदा पे ही था, वो संविदा पे हम उनको रख लेंगे वहाँ पर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? यहाँ के रहने वाले ये अलेड़ी संदल सिंह का बेड़ा सहारनपुर में पड़ता है, और हाल निवासी क्या? हाल निवासी जी, हाल निवासी तो ये बिजली घर पे रहते थे वहाँ उधर, वहाँ बच्चे रुड़की यूनिवर्सिटी में रहते थे अपनी नानी के पास, और ये जहाँ भी जाना संडे में वहाँ जाते थे, बाकी दिन यहीं से रहते थे। तो जितने गांव वाले हैं सबकी सहमति से? हाँ सबकी सहमति। कड़च बिजली घर था, कड़च बिजली घर पर करंट लगा हुआ, लेकिन वो स्थिति संदिग्ध है, वो जाँच का विषय है कैसे हुआ, क्योंकि कोई शटडाउन नहीं था, कोई लाइन ट्रिपिंग नहीं आई किसी पे, कहना 33 सब कुछ प्रॉपर सही थी। फाइनली हमारा समझौता हुआ कि जो विभागीय प्रक्रिया है, मृतक आश्रित कोई करंट लगने से किसी की दुर्घटना होती है तो उसमें 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है, जिसमें 80,000 रुपये 48 घंटे का देने का प्रावधान है, फिर उसकी जाँच प्रक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात दिया जाता है 3,20,000, तो टोटल 4 लाख रुपये देने का प्रावधान है। अच्छा, उनके जी के माध्यम से था, जिस संस्था के माध्यम से वो कार्यरत था उसी संस्था के माध्यम से उसकी पत्नी को रखने का वो हमने कहा है, बात है। हाँ समझौता हुआ है, और 2 लाख रुपए हम लोगों ने आपस में सब लोगों ने विभागीय कर्मचारियों सब ने कंट्रीब्यूशन करके दिया है, और 2 लाख रुपए उन्होंने दिया है जो जिस माध्यम से वो कार्यरत था। इससे 2 लाख। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज़, हर खबर पर पहली नजर।